हेलो फ्रेंड। तो हम लाइव क्विज 7 डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं लाइव क्विज 7। क्वेश्चन नंबर 1। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, अपने को गिवन है 100 टाइम्स ऑफ द 100 टर्म ऑफ एपी विद नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ इट्स 50th टर्म। देन वी हैव टू फाइंड द 150th टर्म ऑफ दैट एपी। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 100 टाइम्स ऑफ टी 100 इज इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ टी 50। अब एपी की अगर फर्स्ट टर्म में ए मानू और कॉमन डिफरेंस डी मानू तो ये होगा ए प्लस 99 डी, एंड दिस इज इक्वल टू 50 इंटू ए प्लस 49 डी। सब एक तरफ लेके आएंगे तो अपने पास बनेगा 100A माइनस 50A प्लस डी के साथ बचेगा 99 इंटू 100 माइनस 50 इंटू 49, और दैट इज इक्वल टू 0। इसको हमने लिख लिया 50A प्लस डी, में से 50 कॉमन आ जाएगा। 50 कॉमन आने के बाद अपने पास बच्चा रहेगा 50D, कॉमन आ गया। 50D कॉमन आने के बाद बचा हुआ है 99 इंटू 2 माइनस 49 इक्वल्स टू 0। 50A प्लस डी इंटू 149 इज 0। इट मीन्स ए प्लस 149 डी इज 0 एंड ए प्लस 149 इज टी 150 इज 0। मतलब इस एपी की 150th टर्म क्या होगी? 0 होगी। और वही हमसे पूछ रखा है कि इस एपी की 150th टर्म बताओ, तो 150th टर्म विल बी 0। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, लाई ऑन आइदर साइड ऑफ ओरिजिन, लाई ऑन आइदर साइड ऑफ ओरिजिन। आइदर साइड ऑफ ओरिजिन का मतलब हो गया कि एक जीरो से बड़ा है और एक जीरो से छोटा है। अगर इस क्वाड्रेटिक का, ये जो अपने पास क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, 2x² माइनस 3x प्लस k² माइनस 3k प्लस 4, इसका एक रूट जीरो से बड़ा है, एक रूट जीरो से छोटा है। अगर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक ओपनिंग अपवर्ड है, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो एक क्वाड्रेटिक ओपनिंग अपवर्ड है और एक रूट जीरो से बड़ा, एक रूट जीरो से छोटा। पोजिशन ऑफ रूट की डायरेक्ट कंडीशन है एफ जीरो विल बी लेस देन जीरो, एफ जीरो विल बी लेस देन जीरो। तो एफ जीरो अगर आप निकालेंगे तो एफ ऑफ जीरो will come out to be k square minus 3k plus 4 is less than 0। और इस वाली क्वाड्रेटिक को अगर ध्यान से देखें तो उसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? 9 minus 16, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है? minus 7। d नेगेटिव है, d नेगेटिव का मतलब, एंड a पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट ऑफ k square कितना है? 1 है। d नेगेटिव a पॉजिटिव इंप्लाइज k square minus 3k plus 4 is greater than 0, is greater than 0 for all k belongs to R। मतलब सारे real k के लिए value greater than 0 रहेगी। अगर ये greater than 0 रहेगी, but अपने को तो ये less than 0 चाहिए था, अपने को तो ऐसे k चाहिए थे जिनके लिए quantity less than 0, तो ऐसा एक भी k नहीं होगा। This implies इसका जो solution set है, इधर का जो solution set है, k belongs to phi, फाय मतलब के की कोई भी वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा था। क्वेश्चन में था कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स जीरो के आइदर साइड होने चाहिए। जीरो के आइदर साइड मतलब एक रूट जीरो से बड़ा, एक रूट जीरो से छोटा। एक रूट जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा, क्वाड्रेटिक ओपनिंग अपवर्ड है। अगर ओपनिंग अपवर्ड है तो एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो होगा। एफ ऑफ जीरो को लेस देन जीरो किया तो क्वाड्रेटिक आई, और क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर पॉजिटिव है। तो ये जो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है, इट मींस इट कैन नॉट बी लेस देन जीरो। तो के का जो सॉल्यूशन सेट है वो अपने पास 5 हो जाएगा। क्वेश्चन 3। इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, किसी इक्वेशन के रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट बोले हुए हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का अपने पास मतलब होता है, इक्वेशन लिखी हुई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस a स्क्वायर माइनस 6a इक्वल्स टू 0, इसके रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है।
रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इम्प्लाइज डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, सॉरी डी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। अगर डी ग्रेटर देन जीरो तो डिस्क्रिमिनेंट इसका लिखेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इसका आएगा 64 माइनस 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 6 ए इज ग्रेटर देन जीरो। इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस 6 ए इज लेस देन 16, इज लेस देन 16। ए स्क्वायर माइनस 6 ए माइनस 16 इज लेस देन जीरो। फैक्टराइज करेंगे तो a माइनस 8 एंड a प्लस 2 बनेंगे लेस देन 0, तो a बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस 2 टू 8, ओपन माइनस 2 टू 8, ओपन माइनस 2 टू 8 व्हिच इज इन ऑप्शन बी। सबसे आसान क्वेश्चन, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इंप्लाइज d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 तो डिस्क्रिमिनेंट लिखा, डिस्क्रिमिनेंट लिखने से मेरे पास a का सॉल्यूशन सेट आ गया, आंसर इज b। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन 3:2, जो रूट्स है वो 3:2 में है, इक्वेशन है 12x² प्लस mx प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा मैंने एज्यूम किए, तो अल्फा बाय बीटा वी कैन राइट 3 बाय 2, तो इसकी हेल्प से वी कैन एज्यूम कि अल्फा 3k होगा एंड बीटा 2k होगा, अल्फा 3k होगा और बीटा 2k होगा। तो अगर हम देखेंगे सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बनेगा माइनस एम बाई 12, और हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट बनेगा 6k² और 6k² बनेगा 5/12, तो k² कम्स आउट टू बी 5/72, के कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 5/6√2। ये अपने पास के की वैल्यू हो गई। अगर इधर सम ऑफ फ्रूट्स देखेंगे, जो हमने इधर लिखा हुआ है सम ऑफ फ्रूट, सम ऑफ फ्रूट्स में अल्फा को हम 3k पुट कर देते हैं और बीटा को 2k पुट कर देते हैं, तो अपने पास जो सम है वो आ जाएगा 5k इक्वल्स टू माइनस एम बाई 12, और k की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की हुई है वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो आएगा 5 × ± 5/6√2 इक्वल्स टू एम बाई 12। ये 6 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, रूट 2 से ये रूट 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो अपने पास ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, एम इक्वल्स टू प्लस माइनस 25√2। एक्चुअली यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ जो के है वो के ये रूट पे भी 5 पे भी रूट आएगा, 5 पे भी क्या आएगा रूट, अगर 5 पे भी रूट आएगा तो यहाँ पे भी रूट आएगा, और ये जो वैल्यू है ना 5√10 बनेगा, क्या बनेगा 5, एम विल बिकम प्लस माइनस 5√10 विच इज ऑप्शन। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि ये इसके रूट अल्फा बीटा है, रेशियो दे रखा था 3:2, अल्फा 3k बीटा 2k एज्यूम किया है क्योंकि रेशियो इनका 3:2 है, तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट से अपने पास k का वैल्यू आया, इस k का वैल्यू आने से अगर इसको मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो m का वैल्यू आ जाएगा, और m का वैल्यू अपने पास 25 होकर आ गया जो ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले, इफ अल्फा बीटा गामा रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन दिस वैल्यू इज, ठीक है अगर हम देखें इक्वेशन अपने पास लिखी है x³ + 4x + 1 = 0, इसके रूट अल्फा बीटा गामा है, और अल्फा बीटा गामा है तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन की हेल्प से हम देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 0, सिग्मा अल्फा बीटा इज 4 एंड अल्फा बीटा गामा इज -1। सम ऑफ रूट 0, सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम दिस विल बिकम 4 and product of root will become minus। तो फिर उसके बाद जो अपने को expression लिखा की value निकालने को expression लिखते हैं 1 upon alpha plus beta plus 1 upon beta plus gamma plus 1 upon gamma alpha plus gamma। अब इधर से देखें तो ये alpha plus beta, ये जो alpha plus beta है वो किसके equal है, वो minus gamma के equal है, वो किसके equal है minus gamma, तो इसको लिख सकते हैं 1 upon minus gamma। ये बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है 1 upon minus alpha, और ये अल्फा प्लस गामा किसके इक्वल है 1 upon minus beta, तो
ये अपने पास जो सम है ना वो इस टाइप से बन जाएगा, वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा प्लस वन बाय गामा। तो ये अपने पास सम ऐसा बना, इसमें मैंने एलसीएम लिया तो अल्फा बीटा गामा एलसीएम, ऊपर में आएगा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा। तो ये अपने पास ये जो वैल्यूज है, ये दोनों वैल्यूज तो ऑलरेडी हमारे पास है, एक वैल्यू 4 है और दूसरी वैल्यू माइनस 1 है, पुट कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा दिस इज माइनस ऑफ 4 अपॉन माइनस 1 वैल्यू कम आउट टू बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल एक्स, बड़ा रेगुलर क्वेश्चन है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सारे एक्स के लिए पॉजिटिव है, सारे एक्स के लिए पॉजिटिव है मतलब उसका डी लेस देन जीरो होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। अगर मैं बोलता हूँ क्वाड्रेटिक, जैसे क्वाड्रेटिक लिखता हूँ 4x² प्लस k प्लस 8 टाइम्स x प्लस 9, दिस इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये लिखा हुआ, तो बड़ा ही जनरल केस है। जनरल केस क्या है कि d लेस देन जीरो होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही, बस d को क्या होना पड़ेगा, जीरो से छोटा होना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट इसका अगर लिखेंगे तो अपने पास आएगा k प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 4 × 9 इज लेस देन जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास ऐसे बना k प्लस 8 का होल स्क्वायर और ये नंबर बन जाएगा 16, 144, 12 का स्क्वायर इज लेस देन जीरो। तो अपने पास ऐसा बनेगा k प्लस 8 प्लस 12 फैक्टराइज करूंगा, k प्लस 8 माइनस 12 इज लेस देन जीरो, फैक्टर्स बने k प्लस 20, दूसरा फैक्टर k माइनस 4 इज लेस देन जीरो, k कम्स आउट टू बी माइनस 22 4। बट इन क्वेश्चन वी हैव रिटर्न k इज इंटीजर, k इंटीजर है, k बिलोंग्स टू i, और माइनस 20 से 4 के इंटीजर्स k को बिलोंग करेंगे, मतलब k अपने पास क्या बनेगा, k का जो सेट है माइनस 19 माइनस 18 माइनस 17 अप टू 1, 2, 3, ये अपने पास k बनेंगे। अब जो क्वेश्चन में अब जो अपने को पूछा गया है, क्या पूछा गया है, देन we have asked greatest absolute value of k। अब absolute value of k देखो कितनी आ रही है, इस केस में 19 आएगी, इसमें 18 आएगी, इसमें 17 आएगी, इसमें 1 आएगी, इसमें 2 आएगी, इसमें 3 आएगी, तो आपको दिख रहा है जो greatest absolute value है k की वो कितनी आएगी, 19 आएगी। greatest absolute value, greatest absolute value अपने पास जो आएगी वो क्या आएगी, 19 आएगी। ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ग्रेटेस्ट मॉड्यूलस वैल्यू विल बी 19। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल था, कोई क्वाड्रेटिक गिवन थी, क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव बोल रखा था, कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा, जब उसका कोई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर न्यूमेरिकल वैल्यू थी पॉजिटिव थी, तो डी को अपने को बस नेगेटिव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन में गिवन है अपने को कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी नंबर ए पी में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जी पी सच दैट ए इज लेस देन बी लेस देन सी एंड ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम जो है वो भी गिवन है 3/4, देन द वैल्यू ऑफ ए, अपने को ए की वैल्यू लिखनी है। देखो डेटा बहुत सारा लिख लेते हैं कि ए बी सी ये तीन नंबर है ए पी में, साथ के साथ इस ए बी के साथ ए बी सी के साथ एक और डेटा दे रखा है, ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, मतलब जो ये ए पी का जो कॉमन डिफरेंस होगा, दिस इम्प्लाइज जो ए पी का कॉमन डिफरेंस होगा, जो ए पी का क्या होगा कॉमन डिफरेंस, वो पॉजिटिव होगा, वो क्या होगा पॉजिटिव, ए पी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा पॉजिटिव। और अपने को बोल रखा है, अपने को क्या गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी इज 3/4, इन तीनों नंबर्स का सम भी दे रखा है। तो देखो सबसे पहले अगर एपी में तीन नंबर दे रखे हैं तो हम उनको एज्यूम करेंगे ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, मैंने मान लिया कैपिटल ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी,
और यहाँ से अपने को पता है कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है मतलब कैपिटल डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जो इस एपी का कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब अगर मैं इन तीनों का सम करूँ, इन तीनों का सम करूँ मतलब ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, तो ये जो सम है वो 3/4 आएगा, ए से सॉरी डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a बन जाएगा, 3a इज 3/4, और 3a अगर 3/4 है तो ए की वैल्यू 1/4 आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी 1/4। अपने को एक और बात गिवन है, क्या गिवन है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये तीनों नंबर जीपी में है, ये तीनों नंबर जीपी में है, अगर तीन नंबर जीपी में होते हैं मतलब मिडिल का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, और बी किसके बराबर है, कैपिटल ए के बराबर है, बी किसके बराबर है, कैपिटल ए के बराबर है, स्मॉल ए किसके बराबर है, कैपिटल ए माइनस डी के बराबर, और कैपिटल सी किसके बराबर है, ए प्लस डी के बराबर है, कैपिटल ए प्लस डी के। तो इधर से बना ए की पावर 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए की पावर 4 इक्वल्स टू ए की पावर 4 प्लस डी की पावर 4 माइनस टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ए की पावर 4 कैंसिल आउट हुआ, इधर से आया डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, क्योंकि d जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज d क्या नहीं हो सकता, जीरो, सिंस d इज नॉट इक्वल टू जीरो तो मैंने ऐसा लिख दिया, और a की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास आ गई, कैपिटल a की वैल्यू कितनी आई है 1/4 आई है, कैपिटल a की वैल्यू 1/4 आई है तो d की जो वैल्यू है वो अपने पास आएगी प्लस 1/2√2, और एक और वैल्यू आएगी -1/2√2 जो रिजेक्ट हो जाएगी। -1/2√2 क्यों रिजेक्ट हुआ, आपको समझ में आ रहा होगा कि रिजेक्ट होने के पीछे लॉजिक था कि अपने को क्वेश्चन में गिवन था कि ए इज लेस देन बी लेस देन सी, मतलब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट होगी। अब अपने पास ए मिल गया, अपने पास डी मिल गया, तो स्मॉल ए देखो क्या लिखेंगे आप, स्मॉल ए देखेंगे कैपिटल ए माइनस कैपिटल डी है, इट मीन्स 1/4 माइनस 1/2√2, ये अपने पास स्मॉल ए मिल गया, जिस भी ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एबीसी एपी में दे रखे थे, जब भी एपी में तीन नंबर गिवन होते हैं आप ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी एज्यूम करते हो, उनका सम भी गिवन था, उससे कैपिटल ए की वैल्यू आई, ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी था उससे डी की वैल्यू आई, मतलब डी पॉजिटिव होगा, फिर अपने को गिवन था कि स्मॉल ए स्क्वायर स्मॉल बी स्क्वायर स्मॉल सी स्क्वायर इन जीपी, उसकी हेल्प से आपने डी की वैल्यू निकाली है, सिंप्लीफाई करके 1/2√2 आई, -1/2√2 रिजेक्ट हो जाएगा, रीजन आपको पता है, तो उधर से ए का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर देखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू दिस देन के, मतलब एक सीरीज लिखी हुई है उसकी 15 टर्म का फर्स्ट 15 टर्म का सम है, तो जो पहला वाला नंबर लिखा हुआ है 3/4 का क्यूब, दूसरा वाला नंबर लिखा हुआ है 3/2 का क्यूब, तीसरा वाला नंबर लिखा हुआ है 9/4 का क्यूब, फिर नंबर लिखा हुआ है 3 क्यूब, फिर अपने पास नंबर लिखा हुआ है 15/4 का क्यूब, अप टू सो ऑन सो फॉर, ऐसे करके टर्म्स लिखे हुए। अब अगर आप देखोगे 3/4 3/2 इन नंबर्स का डिफरेंस क्यूब नहीं, इन इन द नंबर का, इसमें मैं प्लस 3/4 कर रहा हूँ तो 3/2, और इसमें प्लस 3/4 कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पहुंच जा रहा हूँ, क्यूब नहीं मैं नंबर की बात कर रहा हूँ जिनका क्यूब हो रखा है, इसमें अगर मैं 3/4 ऐड करूंगा तो 3 पर पहुंच जाऊंगा, तो आप देख रहे हैं कंसेक्यूटिव टर्म जिनका क्यूब कर रखा है वो 3/4 ऐड करने पर आ रही है, मतलब वो एपी में है जिसका कॉमन रेट कॉमन डिफरेंस 3/4 है, तो उस एपी की जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, एनएक्स टर्म, तो 3/4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3/4, तो आप देखेंगे ये अपने पास आ जाएगा 3/4 एन, और इसका अपने को क्यूब गिवन है, इसका अपने को क्यूब गिवन है, तो टी एन हम लिख सकते हैं 3³/4³n³। अब अपने को 15 टर्म का सम चाहिए तो सबसे पहले n टर्म्स का सम लिख लेते हैं, दिस इज 3³/4³ सबसे कॉमन आएगा और सिग्मा n³ बनेगा,
और सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, वो एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर, टू स्क्वायर, ऐसे बनता है। और अगर एस 15 निकालना है तो एस 15 भी निकाल सकते हैं, थ्री क्यूब बाय फोर क्यूब इंटू 15 स्क्वायर इंटू 16 स्क्वायर बाय फोर। अब देखेंगे दिस इज फोर क्यूब, दिस इज फोर, दिस इज 16 स्क्वायर, ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, तो अपने पास एस 15 जो है वो बन जाएगा 27 इंटू 225। तो क्वेश्चन में देखो वो अपने को दे रखा है 225 के, तो जो के की वैल्यू है वो क्या हो गई 27, के की वैल्यू कितनी हो गई 27। क्वेश्चन में कुछ टर्म्स का क्यूब दे रखा था जिनका सम करना था, वो टर्म्स मैंने देखी, जिनका क्यूब करना था हमें उन टर्म्स को अगर देखा तो मैंने हर टर्म में 3/4 ऐड हो रहा था, हर टर्म में क्या हो रहा था 3/4, यानी जिन नंबर का क्यूब किया हुआ है वो नंबर एपी में थे, उस एपी की जनरल टर्म लिखी, जनरल टर्म आई 3/4 एन, और फिर उस जनरल टर्म को लिखा, जनरल टर्म से समेशन ऑफ एन टर्म्स लिखा, जो कि अपने को फॉर्मूला ही डायरेक्टली अप्लाई करना है, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करके 15 टर्म्स का सम हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन है अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा आर रेस्पेक्टिवली रूट ऑफ दीज इक्वेशन, तीन इक्वेशन है, पहले के रूट अल्फा बीटा है, दूसरे के रूट बीटा गामा है, तीसरे के रूट अल्फा गामा है। इफ अल्फा बीटा गामा आर ऑल पॉजिटिव देन दिस वैल्यू इज, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, इसके रूट अल्फा एंड बीटा है, तो इधर से अगर हम देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपने पास 2p बनेगा और अल्फा इंटू बीटा 2 बनेगा। सेकेंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू क्यू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, इसके रूट बीटा एंड गामा है, अगर इसके रूट बीटा एंड गामा है तो बीटा प्लस गामा 2q बनेगा एंड बीटा गामा 3 बनेगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस टू स्मॉल आर इंटू एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, इसके रूट अल्फा एंड गामा है, तो सम ऑफ रूट अपने पास टू आर बनेगा, ये गामा है ये आर, एंड अल्फा इंटू गामा सिक्स। अब अगर हम देखेंगे तो इधर से मेरे को अल्फा बीटा पता है, इससे बीटा गामा पता है, इधर से अल्फा गामा पता है, अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करता हूँ अल्फा बीटा गामा, तो इसमें से अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर बनेगा, देखो दो अल्फा हो जाएंगे, दो बीटा हो जाएंगे, दो गामा हो जाएंगे, मल्टीप्लाई को तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बनेगा, और वो कितना बनेगा, वो बनेगा अपने पास 36 इन तीनों नंबर का, तो इधर से अल्फा बीटा गामा अपने पास कितना जाएगा 6 और माइनस 6, बट माइनस 6 रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, इन क्वेश्चन वी हैव गिवन अल्फा बीटा गामा आर ऑल पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव ही नंबर है, तो ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना हो जाएगा। अब आप देखो इधर अपने को अल्फा इंटू बीटा पता है और इधर हमें अल्फा बीटा गामा पता है, तो इन दोनों की हेल्प से अल्फा बीटा को अगर मैंने इधर पुट किया तो गामा की वैल्यू मिलेगी, गामा की वैल्यू अपने पास कितनी मिलेगी 3 मिलेगी गामा की वैल्यू। सिमिलरली इस इक्वेशन में अगर मैंने बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पर पुट की तो अपने पास अल्फा मिलेगा और अल्फा मेरे को दिख रहा है 2 मिलेगा, और अल्फा इंटू गामा की वैल्यू पुट की तो अपने को बीटा मिलेगा, दैट इज 1। इट मींस अब अपने पास अल्फा बीटा गामा तीनों आ चुके हैं, अगर अल्फा बीटा गामा तीनों आ चुके हैं तो इधर से देखो अल्फा प्लस बीटा सम करेंगे तो 2p आएगा, बीटा प्लस गामा करेंगे 2q आएगा, अल्फा प्लस गामा करेंगे 2r आएगा। अब मैं इन तीनों को ऐड कर रहा हूँ, इधर मैं इन तीनों को क्या कर रहा हूँ ऐड, तो अपने पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 टाइम्स होगा हमेशा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दो अल्फा हो गए, दो अल्फा हो गए, दो बीटा हो गए और दो गामा हो गए, तो ये दो हर बार दो दो हैं, तो ये बनेगा अपने पास 2 टाइम्स टी प्लस क्यू प्लस आर, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज पी प्लस क्यू प्लस आर होगा, और पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वेशन में डिमांड कर रखा था, अल्फा बीटा गामा अपने पास यहाँ से आ गए, तो पी प्लस क्यू प्लस आर विल बी, पी प्लस क्यू प्लस आर विल बी, इनका जो सम है 1 प्लस 2 प्लस 3, दैट इज।
क्वेश्चन में रूट्स दे रखे थे अल्फा बीटा, पहली इक्वेशन के बीटा गामा, दूसरी इक्वेशन के अल्फा गामा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई तीनों की, अल्फा बीटा गामा के होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई इन तीनों को मल्टीप्लाई करना। तो जैसे ही अल्फा बीटा गामा आए, फिर अल्फा बीटा पुट किया तो गामा आया, बीटा गामा पुट किया तो अल्फा आया, अल्फा गामा पुट किया तो बीटा आया, तो अल्फा बीटा गामा तीनों आ गए। अल्फा बीटा गामा तीनों के आने के बाद इन तीनों को जस्ट ऐड किया। सम ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज विद पॉजिटिव टर्म्स इज 3 एंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इट्स टर्म्स देन द कॉमन रेशियो। देखो इस क्वेश्चन में मिसिंग है कि ये जीपी है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, जीपी सीरीज, तो अपने को बोल रखा है कि पॉजिटिव मतलब जो टर्म्स हैं उनका जो सम है, इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम है वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो उस जीपी का अगर मैं फर्स्ट टर्म ए मानता हूँ और कॉमन रेशियो आर मानता हूँ, कॉमन रेशियो क्या मानता हूँ, आर, तो अपने पास ये आएगा ए अपॉन 1 माइनस आर, इनफाइनाइट टर्म्स का सम, और ये अपने पास अपने को गिवन है 3, ये अपने को गिवन है। एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ इट्स टर्म्स, मतलब इनके क्यूब का सम क्या, अगर जी पी ए आर स्क्वायर इस टाइप की है तो अब मैंने क्यूब किया तो क्या बना, ए क्यूब, ए क्यूब आर क्यूब, ए क्यूब आर की पावर टू, इस टाइप से बने। तो अब आप देख रहे हैं ये भी एक जी पी ही बनेगी और ये भी एक जी पी बनेगी, तो इस इनफाइनाइट जी पी का भी अपने को सम दे रखा, तो इस इनफाइनाइट जी पी का सम क्या होगा, ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, और ये अपने पास हो गया कितना, 27/19। तो इधर से देखो, इधर से एक कितने एक के इक्वल आया, 3 × 1 - r के इक्वल आया, और इधर जब मैंने इसका क्यूब किया तो अपने पास आएगा 27 × 1 - r का होल क्यूब इक्वल्स टू 27/19 1 - r। और इस 1 - r³ को तो आप सिंप्लीफाई करके 27 1 - r, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 1 - r 1 + r² + r और 19 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 27 से 27 कैंसिल आउट ही कर दो, ज़्यादा बेटर, 19 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 1 - r³, एक 1 - r, एक 1 - r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, स्क्वायर 1 - r का स्क्वायर, 19 r² - 38 r + 19 = r² + r + 1, r को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 18 r² - 39 r + 18, 3 कॉमन आ जाएगा, और दोबारा से तो लिख सकते हैं 6 r² - 13 r + 6 = 0, इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 3 r - 2 and 2 r - 2। तो r की अपने पास दो वैल्यूज आएंगी, एक 3/2 और एक 2/2। अब अपने को पता है इनफाइनाइट टर्म्स का सम पॉसिबल है, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम पॉसिबल है, तो r 3/2 नहीं हो सकता, बिकॉज r विल लाइ फ्रॉम 1, r विल बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, r -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, उस केस में ये जो 3/2 है वो उसके बीच में लाई नहीं कर रहा, तो ये वाला पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा, r की वैल्यू 2/3 क्या हो जाएगी, चले। अपने को कॉमन रेशियो ऑफ दिस सीरीज ही चाहिए था, तो कॉमन रेशियो ऑफ दिस सीरीज यहाँ पर 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज की पहली 20 टर्म्स का सम निकालना। देखो 3/1 + 3/2 + 7/4 + 15/8 + 31/16, ऐसे करके। अब देखो पहली टर्म तो 1 है, ठीक है, सेकंड टर्म को आप 2 - 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 - 1/2 / 2 होता है, थर्ड टर्म को 2 - 1/4 लिख सकते हैं, 2 - 1/4 लिखेंगे तो क्या आएगा, 7/4 आएगा, नेक्स्ट टर्म को 2 - 1/8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, उसके बाद 2 - 1/16 लिख सकते हैं। तो अब
ऐसा करने से अपने को क्या है, देखो पहली टर्म तो वन है, सेकंड टर्म से अगर आपने देखना स्टार्ट किया, सेकंड टर्म से, पहली टर्म को नहीं देखा, इसकी सेकंड टर्म से, सेकंड टर्म अपने पास बोलो क्या बन जाएगी, टू माइनस टू की पावर वन, टू माइन थर्ड टर्म बनेगी टू माइनस टू की पावर टू। तो अगर मैं लिखूं वन बाई टू माइनस टू टू द पावर एन माइनस वन, तो ये अपना जो प्रोसेस है वो ठीक रहेगा। फर्स्ट टर्म के लिए भी ऐसा लिख सकते हो, जैसे फर्स्ट टर्म के लिए क्या लिख सकते हो, टू माइनस वन बाई टू की पावर जीरो, तो टू की पावर जीरो कितना होता है वन, तो ये ऐसे जनरल सीरीज ही बन। अब ये ऐसे अगर जनरल सीरीज बन गई तो इसका तो सम लिख सकते हो, सम ऑफ ट्वेंटी टर्म्स लिखा हुआ है, सम ऑफ ट्वेंटी टर्म्स लिखा हुआ है, तो सबसे पहले टू का सम आएगा, ट्वेंटी टाइम्स टू का सम आएगा, तो टू इंटू ट्वेंटी माइनस, अगर आप इसका सम लिखेंगे तो आएगा वन बाई टू की पावर जीरो प्लस वन बाई टू की पावर वन प्लस वन बाई टू की पावर टू अप टू वन बाई टू की पावर नाइनटीन, ये अपने पास आ। और ये जो सम है वो देखो, दिस विल बिकम फोर्टी माइनस वन इंटू वन माइनस टू टू द पावर वन माइनस टू टू द पावर ट्वेंटी अपॉन वन माइनस वन बाई टू, ये अपने पास ऐसा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फोर्टी माइनस टू वन माइनस वन बाई टू टू द पावर ट्वेंटी, तो ये अपने पास हो गया थर्टी एट प्लस वन बाई टू टू द पावर नाइनटीन। ये टू अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस टू अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ टू की पावर ट्वेंटी डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमिनेटर में टू की पावर ट्वेंटी मल्टीप्लाई होगा, टू की पावर वन मल्टीप्लाई होगा तो टू की पावर नाइनटीन बचेगा। क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता है जैसे ही आपने जनरल टर्म, जैसे ही आपने जनरल टर्म सोचोगे, जैसे यहाँ वन लिखा हुआ था, इस वन को मैंने लिखा टू माइनस वन, इस थ्री बाई टू को मैंने लिखा टू माइनस वन बाई टू, आइडिया कहाँ से लगता है टू माइनस वन लिखना है वन को, यहाँ से आगे वाली टर्म को पहले लिखना पड़ेगा टू माइनस वन बाई, इसको पहले लिखना पड़ेगा टू माइनस वन बाई, इसको पहले लिखना पड़ेगा टू माइनस वन, इसको पहले लिखना पड़ेगा। ऐसे करने के बाद फिर उसके बाद जैसे ये अपने पास अगर टी एन आ जाता है, ये अपने पास अगर टी एन आ जाता है तो एस एन तो आप तुरंत से लिख सकते हो, सिग्मा टी एन करोगे तो एस एन आएगा, तो एस एन कितना होगा टू एन माइनस, अब देखो ये एक जीपी बनेगी, जब आप इसका सिग्मा करोगे, जब हम इसका सिग्मा करोगे तो जीपी बनेगी, और जीपी की फर्स्ट टर्म क्या रहेगी वन, जीपी की फर्स्ट टर्म रहेगी वन, कॉमन रेशियो जीपी का कितना रहेगा हाफ, एन टर्म्स का सम है अपॉन वन माइनस वन बाई, तो मैंने कुछ ऐसा ही तो लिखा हुआ है, 15 टर्म्स का सम करना था, सॉरी 20 टर्म्स का सम करना था, तो 20 टर्म्स का सम ऐसे ही तो किया हुआ है, n की जगह बस 20 पुट किया और फिर कैलकुलेशन करके अपना आंसर फाइंड आउट किया, तो इसका आंसर अपने पास आ रहा है 38 प्लस 1 बाई 2 की पावर 19 व्हिच इज इन ऑप्शन ए। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखो सब लोग, 12th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। ए मैन सेव्स रुपीज 200 in each of first 3 months of service. In each subsequent month, his saving increased by 40 more than the saving of immediately previous month. His total saving from the start will be this after. ठीक है, देखो question में idea क्या है कि एक आदमी first month में कितनी saving कर रहा है 200, सेकेंड मंथ में भी कितनी कर रहा है 200, इनफैक्ट पहले तीनों मंथ सेम सेविंग कर रहा है 200 200 200, लेकिन ईच ऑफ दी सब्सिक्वेंट मंथ टर्म फोर वो कितना हो रहा है 240 हो रहा है। इसके बाद फिफ्थ टर्म में कितनी सेविंग कर रहा है 280, मतलब फिफ्थ मंथ में कितनी सेविंग कर रहा है 280। अब आप देख रहे हैं इसके बाद तो ये जो है ये एपी बन जाएगी, इसके बाद बनेगी स्टार्टिंग से एपी नहीं है, या स्टार्टिंग से एपी है विद कॉमन डिफरेंस जीरो तीन टर्म तक, लेकिन थ्री फोर फिफ्थ ये एक एपी है जिसकी कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, कॉमन डिफरेंस अपने पास 40 रहेगा उसका, और अपने को जो टोटल सेविंग है, जो अपने को जो इन सब का सम है, इन सब का जो सम है वो कितना पहुंचना चाहिए 11,040, इनका सम पहुंचना चाहिए 11,040, इनका सम पहुंचना चाहिए, तो इनका सम कर देते हैं। देखो इनका सम करेंगे तो आगे इसमें तो एपी का फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा एपी का फॉर्मूला, इन दो को मैं मैन्युअली ऐड कर लेता हूँ कौन से बड़े नंबर हैं, तो मैंने देखा
ये जो सम है ये 200 + 200 400 सम हो गया। मैं इसके आगे एज्यूम कर रहा हूँ कि एन टर्म्स है, इसके आगे एज्यूम कर रहा हूँ एन टर्म्स। अब देखो आपको बोल रखा है आफ्टर मंथ निकालने, तो आंसर एन नहीं होगा, आंसर क्या होगा एन प्लस टू, क्योंकि सेविंग तो 2 महीने पहले से स्टार्ट है लेकिन एपी यहाँ से बन रही है, तो मैं ये टर्म बोल देता हूँ एन है। तो ये जो सम मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज 11,040। ठीक है, तो अब हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं, देखो ये 400 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इधर से 40 कॉमन आ जाएगा, इधर से क्या कॉमन आ जाएगा 40 कॉमन आ जाएगा दोनों से 40। तो 40 कॉमन आने के बाद बचा अपने पास 20n डिवाइडेड बाय 2 था, 42 से कैंसिल आउट हुआ, और इधर बचेगा 40 कॉमन आने के बाद 10, और इधर बचेगा n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11,040 माइनस 400। तो अपने पास ये ऐसा बन गया 0, 0, 6, 10 10, 6, 40, 10, 6, 41, 20n एन, और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं n प्लस 9। तो ये 20 से ये कैंसिल आउट करेंगे, 20 से ये कैंसिल आउट करेंगे, 532 टाइम्स n इंटू एन प्लस 9, तो क्वाड्रेटिक बनेगी n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 532 इज 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो बनेगा n प्लस 28 इंटू एन माइनस 19 इज 0। एन की दो वैल्यू आएंगी माइनस 28 एंड एन की वैल्यू 19। अब एन तो नंबर ऑफ मंथ है, नंबर ऑफ मंथ नेगेटिव नहीं हो सकते, नंबर ऑफ मंथ क्या नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं। तो अपने पास जो एन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 19। अब जो टोटल मंथ्स आएंगे, अगर एन की वैल्यू 19 आई है तो टोटल मंथ्स अगर आप देखोगे, टोटल मंथ्स विल बी 19, तो ये वाले मंथ्स हैं 19, तो ये वाले हैं जिनको एपी में काउंट किया, प्लस 2 होगा इसमें, प्लस 2 होगा, प्लस 2 ओके कितना हो गया 21, तो 21 मंथ्स टोटल हो गए। क्वेश्चन में गिवन था कि पहले 3 मंथ की सेविंग 200 200 200 है, आगे आने वाले हर मंथ की सेविंग पिछले मंथ से 40 रुपए ज्यादा है, तो 240 280, और ये भी नजर आ गया कि एपी में है, ये एपी में, उसके बाद तो एपी के सम का फॉर्मूला लगाया है मैंने, टोटल सेविंग 11,400 करनी थी, 200 200, और मैंने इसको एपी मान लिया, यहाँ से मैंने इसको एपी एज्यूम कर लिया एन टर्म से, और वो जुड़ के कितने हो गए 11,000, एन को सिंप्लीफाई किया, एक एन बस नेगेटिव हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है अपने को, इफ वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन 2 एंड अदर इज लेस देन -3, और जो एक और क्वाड्रेटिक दे रखी है cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0, इसके रूट अल्फा और बीटा है, इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो हमें देखना जो दोनों क्वाड्रेटिक हमें गिवन है उन दोनों को लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0, ये इन दोनों, और इसके रूट अपने को दे रखे हैं अल्फा और बीटा है। लेकिन उसके पहले जो इम्पोर्टेंट बात देखने वाली क्या है कि ये दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करके आ सकती है या इससे ये ट्रांसफॉर्म करके आ सकती है। अगर इसमें x को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इसमें x को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगी, मतलब ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म करके बन सकती है और रिप्लेस करना पड़ेगा x को 1/x। तो अब यहाँ पर अपने को दे रखा है इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो अपने को पता है इसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा होंगे, इसके रूट क्या होंगे, इसके रेसिप्रोकल ही होंगे 1/अल्फा एंड 1/बीटा। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों के रूट, इन दोनों क्वाड्रेटिक के रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और अब इसके रूट जो ये पहली वाली इक्वेशन है, इसके रूट के बारे में अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है कि 1/अल्फा इज ग्रेटर देन 2 एंड 1/बीटा इज लेस देन -1। अब आप सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि 1/अल्फा की रूट जो है वो 2 से बड़ा होगा, 1/बीटा क्यों नहीं हो सकता, उसके लिए यहाँ पर ये दे रखा है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, मतलब एक पॉजिटिव रूट है और एक नेगेटिव रूट। अब अपने को पता है एक तो पॉजिटिव रूट है और एक क्या है नेगेटिव रूट, एक पॉजिटिव रूट है एक नेगेटिव रूट है, तो अब आप सोचो ना, तो पॉजिटिव नंबर ही तो ग्रेटर देन 2 होगा, नेगेटिव ही तो
लेस देन माइनस वन होगा, तो वन बाय अल्फा और वन बाई बीटा, तो अपने पास ऐसा हो गया। ऐसा होने के बाद अब देखो, अपने को ये भी पता है कि अल्फा पॉजिटिव है एंड बीटा नेगेटिव है। अल्फा पॉजिटिव है, बीटा नेगेटिव है। अल्फा पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर कैन बी ट्रांसपोज, पॉजिटिव नंबर कैन बी ट्रांसपोज, तो इधर से आएगा अल्फा विल बी लेस देन वन बाई टू, अल्फा विल बी लेस देन वन बाई टू। और बीटा नेगेटिव है, बीटा को जब ट्रांसपोज करेंगे तो साइन ऑफ एन इक्वेशन चेंज होगा। बीटा को जब मल्टी ट्रांसपोज करेंगे साइन ऑफ एन इक्वेशन चेंज होगा, वन विल बी ग्रेटर देन माइनस बीटा। अब अपने को तो बीटा निकालना है, बीटा के लिए निकालना है, तो बीटा के लिए अब आप क्या करोगे, माइनस वन विल बी लेस देन बीटा, तो बीटा अपने पास ग्रेटर देन माइनस वन हो जाएगा, बीटा विल बी ग्रेटर देन माइनस वन हो जाएगा। और बीटा ग्रेटर देन माइनस वन होगा और अल्फा लेस देन वन बाई टू होगा। अब जिस भी ऑप्शन में ऐसा है वही आंसर होगा, अल्फा लेस देन हाफ एंड बीटा ग्रेटर देन माइनस वन, बीटा ग्रेटर देन ए ऑप्शन में ही ऐसा गिवन है। बाकी अल्फा लेस देन हाफ, बीटा लेस देन माइनस वन, बाकी सारे ऑप्शन गलत है, अल्फा लेस देन हाफ एंड बीटा ग्रेटर देन। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट थे, इन दोनों इक्वेशंस के रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, इन दोनों इक्वेशंस के रूट एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल। और मेरे को बोल रखा है एक रूट ग्रेटर देन टू है, एक रूट लेस देन माइनस वन है, तो एक रूट ग्रेटर देन टू है तो एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा मतलब अल्फा पॉजिटिव नंबर होगा और बीटा नेगेटिव नंबर होगा, अल्फा पॉजिटिव होगा बीटा नेगेटिव होगा, और अल्फा पॉजिटिव होगा तो यही वन बाय अल्फा ही ग्रेटर देन टू हो सकता है, वन बाई बीटा ही लेस देन माइनस वन हो सकता है। तो अब अल्फा पॉजिटिव है इसको मैं ट्रांसपोज कर सकता हूँ, तो अल्फा लेस देन हाफ हो जाएगा, बीटा नेगेटिव है तो इसको मैं जब ट्रांसपोज करूंगा तो साइन ऑफ इन इक्वेशन चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ इन इक्वेशन क्या हो जाएगा, चेंज, साइन ऑफ इन इक्वेशन चेंज होगा मतलब माइनस बीटा वन विल बी ग्रेटर देन माइनस बीटा, फिर एक और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन विल बी लेस देन बीटा, तो बीटा ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, माइनस बीटा ग्रेटर देन। ये सिंपली आप सीधे सोच सकते थे, एक नंबर ग्रेटर देन टू है उसका रेसिप्रोकल तो लेस देन हाफ ही होगा, एक नंबर लेस देन माइनस वन है, लेस देन माइनस वन है मतलब माइनस वन से छोटा है, तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो माइनस वन से बड़ा ही आएगा, सीधा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक इक्वेशन के रूट दे रखे हैं, अल्फा बीटा लिख लेता हूँ, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, इसके रूट लैम्डा वन, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, लैम्डा वन एंड लैम्डा टू आर टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस एक्सप्रेशन होल्ड्स ट्रू, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर दिया है, अपॉन अल्फा बीटा किसके इक्वल है, फोर बाई फाइव के इक्वल है, मीन्स फाइव अल्फा स्क्वायर प्लस फाइव बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू फोर अल्फा बीटा, मतलब फाइव ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर्टीन अल्फा बीटा, दोनों तरफ मैंने टेन अल्फा बीटा ऐड किया, फोर्टीन अल्फा बीटा, तो अपने पास ऐसा बनेगा। अब सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट तो लिख ही सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट अपने पास बन जाएगा फाइव बाई लैम्डा, और सम ऑफ रूट अपने पास बनेगा माइनस ऑफ वन माइनस लैम्डा बाय लैम्डा का होल स्क्वायर, माइनस बी बाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनेगा, माइनस बी बाई, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा आएगा एक्स इंटू वन माइनस लैम्डा प्लस फाइव, तो बी ये बनेगा माइनस बी बाई, इसका स्क्वायर है तो माइनस कोई फर्क नहीं डालेगा, फाइव से फाइव कैंसिल आउट हो, ये बना लैम्डा माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू फोर्टीन बाई लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस टू लैम्डा प्लस वन इक्वल्स टू फोर्टीन लैम्डा, सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद लैम्डा स्क्वायर माइनस सिक्सटीन लैम्डा प्लस वन विल बी जीरो, तो इसके रूट अपने को बोल रखा है लैम्डा वन लैम्डा टू, इसके रूट्स अपने को बोल रखा है लैम्डा वन एंड लैम्डा टू, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा वन बाई लैम्डा टू प्लस लैम्डा टू बाई लैम्डा। अब ये वाली वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं, जरा बताओ अब ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा वन लैम्डा टू, लैम्डा वन स्क्वायर प्लस लैम्डा टू स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा वन स्क्वायर प्लस लैम्डा टू स्क्वायर, या दोबारा लिखना सीधे लिख देता हूँ, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू का होल स्क्वायर माइनस टू लैम्डा वन लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन लैम्डा टू, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट,
sum of roots and product of the root. Sum of root is case में 16 square, product of the root 1 minus 2 divided by 1. तो ये अपने पास बनेगा 254. ये अपने पास क्या बनेगा 254. ये वाली वैल्यू अपने पास क्या बनी 254. और आंसर में अपने को जो बोल रखा है लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 माइनस 245, मतलब 254 माइनस 245 ये अपने पास 9 हो जाएगा. ये अपने पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा. ऑप्शन क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन वर्कबुक में भी आपने कई बार किया होगा कि क्वाड्रेटिक का अल्फा बीटा रूट्स हैं और अल्फा बीटा इस रिलेशन से कनेक्ट हैं. अल्फा बीटा इस रिलेशन से कनेक्ट हैं तो कनेक्ट करने के बाद जब मैंने लैम्डा में सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट की हेल्प लिख के जब लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनाई तो इस क्वाड्रेटिक के रूट लैम्डा 1 लैम्डा 2 थे. यही गिवन था कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच दीज आर कनेक्टेड. तो अपने को ये वैल्यू निकालनी है. ये एक्सप्रेशन तो इसके सिमिलर ही है, सिमिलर एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. इफ बोथ रूट ऑफ दिस इक्वेशन लाइज इन माइनस 223, तो ये पोजीशन ऑफ रूट की बात हो गई. एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 2 इक्वल्स टू 0. इसके बोथ रूट माइनस 223 है. सबसे पहले ये बात किसकी होगी, पोजीशन ऑफ रूट की. बोथ रूट माइनस 223 है. अब देखो मैं अगर क्वाड्रेटिक को थोड़ा ध्यान से देखूं, थोड़ा सा इसमें अगर थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो इसका एक रूट अपने इसके रूट ही दिख जाएंगे. जैसे इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 2x प्लस एक्स प्लस सॉरी प्लस एक्स नहीं यहाँ माइनस एक्स आएगा प्लस के माइनस 2. अब आप देखो यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 2x माइनस के और ये माइनस एक्स, तो ये कैंसिल आउट होगा. ये क्या होगा, कैंसिल आउट होगा. तो अपने पास क्या बनेगा माइनस के एक्स प्लस एक्स. तो इधर से माइनस एक्स कॉमन ले लो, क्या बचा के माइनस 1 बचा. तो यह के माइनस 1 ही तो लिखा हुआ था. तो ये अपने पास ऐसे हो गया कि ये फैक्ट. अब देखो इन दोनों से एक्स कॉमन आया और इन दोनों से माइनस 1 कॉमन आया. एक्स माइनस के माइनस 2 और एक्स माइनस 1 इसके दो फैक्टर हो गए. यानी एक रूट तो इसका 1 हो गया और दूसरा रूट क्या हो गया के माइनस 2. आप रिटर्न ट्रायल से भी देख सकते थे एक्स को 1 पुट करके इसका रूट आया. एक्स को जैसे ही 1 पुट करेंगे 1 के माइनस 1 प्लस के माइनस 2 तो ये वैल्यू 0 ही आ जाएगी. एक रूट इसका बना है, एक रूट के माइनस 2 आया. अगर हम देखें एक रूट इसका बनाया और इसके अपने को दोनों रूट माइनस 2 से 3 चाहिए. दोनों रूट क्या चाहिए माइनस 2. तो मेरे को पता है 1 तो इनके बीच में ही है. जो ये नंबर है k माइनस 2 ये भी इनके बीच में होना चाहिए, ये भी इनके बीच में होना चाहिए. इट मीन्स k माइनस 2 इज लेस देन 3 होना चाहिए, तो k लेस देन 5 होना चाहिए एंड k माइनस 2 ग्रेटर देन माइनस 2 होना चाहिए. मतलब k ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. इट मीन्स k लाइज बिटवीन 0 एंड 5. k लाइज बिटवीन 0 एंड 0 और 0 से 5 के बीच में ही लाइन. ये तो इसको करने का एक तरीका है कि अपने को दिख जाए कि 1 रूट है. 1 रूट होने के बाद अपना एक क्वेश्चन काफी छोटा हो जाएगा. अदरवाइज तो फिर इसको पोजीशन ऑफ रूट से करना पड़ेगा. पोजीशन ऑफ रूट से मैं आपको बता देता हूँ. एक्स स्क्वायर ये उसका माइनस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहले जो स्ट्राइक करेगा वो पोजीशन ऑफ रूट ही करेगा. ये तो देखो मतलब बहुत किसी को दिख जाए कि 1 रूट है दूसरे रूट के माइनस 2. इसके बाद पोजीशन ऑफ रूट है, बोथ रूट शुड लाइ फ्रॉम माइनस 2 टू 3. पोजीशन ऑफ रूट का स्टैंडर्ड टाइप है बोथ रूट शुड लाइ बिटवीन माइनस 2 टू 3. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ओपनिंग ऑफ बॉडी ग्राफ बनेगा. तो कंडीशंस अपने पास होगी डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. तो इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट लिखने के बाद बनेगा के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 के माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अपने पास बनेगा के स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो बना के माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मतलब फॉर ऑल रियल नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर तो सारे नंबर के लिए ग्रेटर देन 0 है. पहली कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या होगी,
एफ ऑफ माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। मैं कंडीशन सारी एक साथ लिख देता हूँ जिससे अपन इनको अप्लाई धीरे धीरे करेंगे। फर्स्ट कंडीशन होगी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकेंड कंडीशन होगी एफ ऑफ माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। थर्ड कंडीशन होगी एफ ऑफ थ्री शुड बी ग्रेटर देन जीरो। एंड फोर्थ कंडीशन विल बी माइनस बी बाई टू ए शुड बी लेस देन थ्री एंड ग्रेटर देन माइनस। ये चार कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये चार कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। पहली से तो के बिलोंग्स टू आर आ गया। सेकंड कंडीशन माइनस टू पे वैल्यू, माइनस टू पे वैल्यू लिख लेते हैं। फोर प्लस टू के माइनस टू प्लस के माइनस टू विल बी ग्रेटर देन। इधर से अपने पास आया थ्री के इज ग्रेटर देन जीरो, के ग्रेटर देन जीरो हो गया। फोर से फोर कैंसिल आउट, के ग्रेटर देन जीरो। थर्ड कंडीशन जो है वो क्या है, एफ ऑफ थ्री ग्रेटर देन जीरो। एफ ऑफ थ्री निकालो, एफ ऑफ थ्री निकालेंगे तो नाइन माइनस थ्री इंटू के माइनस वन प्लस के माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। तो अपने पास आएगा नाइन प्लस थ्री माइनस टू माइनस थ्री के प्लस के ग्रेटर देन जीरो। तो अपने पास आएगा टेन माइनस टू के ग्रेटर देन जीरो, मतलब के लेस देन फाइव, के लेस देन फाइव। और फोर्थ कंडीशन अप्लाई करेंगे, फोर्थ कंडीशन क्या है, माइनस बी बाई टू है। माइनस बी बाई टू है मतलब के माइनस वन बाई टू। बी की वैल्यू ये है नेगेटिव के साथ, तो एक और नेगेटिव साइन लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये लेस देन थ्री होगा और ये ग्रेटर देन क्या होगा, माइनस टू। तो के माइनस वन इज लेस देन सिक्स इज ग्रेटर देन माइनस फोर, मतलब दोनों तरफ वन ऐड करेंगे, के ग्रेटर देन माइनस थ्री लेस देन सेवन। के माइनस थ्री से सेवन के बीच में हो गया, के इधर से फाइव से छोटा हो गया, के इधर से जीरो से बड़ा हो गया, इधर से के ऑल रियल नंबर हो गया। तो इंटरसेक्शन, चारों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो चारों का इंटरसेक्शन तो के जीरो टू फाइव ही आ रहा है, के जीरो टू फाइव हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। ये किसी, ये मेथड बहुत अच्छा है कि ये अपने को दिख जाए कि वन रूट है, वन रूट है तो दूसरे रूट के माइनस टू है, और के माइनस टू जो है वो थ्री से छोटा होना चाहिए, माइनस टू से बड़ा होना चाहिए। जीरो टू फाइव देखना होगा। बाकी इस वाले मेथड में, तो इस वाले मेथड में तो पोजीशन ऑफ रूट डायरेक्ट है, पोजीशन ऑफ रूट की कंडीशन अप्लाई करनी है। पहली कंडीशन डी ग्रेटर देन जीरो, मतलब बोथ रूट लाइ बिटवीन स्पेसिफाइड नंबर, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ माइनस टू पॉजिटिव, एफ ऑफ थ्री पॉजिटिव एंड माइनस बी बाई टू, यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स शुड लाइ बिटवीन द रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट इट मींस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू मॉड एक्स माइनस वन इक्वल्स टू फोर्टीन। तो अब केसेस लिखेंगे, केस लिखाओ व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, जब एक्स ग्रेटर देन वन होगा तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगी, ये माइनस टू कैंसिल आउट हो गए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, तो एक्स की वैल्यू 4 और माइनस 4, तो एक्स इक्वल्स टू 4 सेलेक्ट हो जाएगी, माइनस 4 रिजेक्ट हो जाएगी एज एक्स इज ग्रेटर देन 1। एंड केस टू में अपने पास होगा कि एक्स लेस देन 1 होगा। अगर एक्स लेस देन 1 होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, माइनस 14 इज जीरो। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, सॉल्व कर लेंगे, एक्स माइनस 6 एंड एक्स प्लस 2 इज जीरो, मतलब एक्स इक्वल टू 6 एंड एक्स इक्वल टू माइनस 2। इस केस में ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, एक्स इक्वल टू माइनस 2 सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसके दो रूट आएंगे, एक रूट 4 आएगा और एक रूट माइनस 2 आएगा। अब आप देखेंगे अपने को नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स बोल रखा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स बोल रखा है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट कितने हो जाएंगे, कितने रूट हो जाएंगे इसके, एक ही रूट। वही मॉड है, मॉड में केसेस लेंगे, इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट वन है, एक्स ग्रेटर देन वन, एक्स लेस देन वन, ग्रेटर देन वन में ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, लेस देन वन में नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, जब ग्रेटर देन वन लेंगे तो जो ग्रेटर देन वन ही जो वैल्यू आएगी उसको सेलेक्ट किया जाएगा, लेस देन वन लेंगे तो जो लेस देन वन ही आएगी उसको सेलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, 17 लिखा हुआ है, इफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
root of this quadratic equation b alpha and beta and sum of square of the root of the equation. तो सबसे पहले देखो कि x minus 1 into x minus 2 minus k equals to 0. इसके root alpha और beta है. इसके root क्या है? Alpha और beta. अगर इसके root alpha और beta है, तो देखो, अगर मैं बोलूं कि इसके root alpha और beta है, तो इसको factorized form में x minus alpha into x minus beta भी लिख सकते हैं. बिल्कुल लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि x equals to alpha पे value 0 हो रही है, बीटा पे भी ये वैल्यू जीरो हो रही है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर भी बने, फैक्टराइज फॉर्म में ऐसा लिख दिया. ऐसा लिखने के बाद अपने पास क्या बना कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस के. तो ये जो पार्ट है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस के, ये अपने पास बनेगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू. तो ये जो वैल्यू, अगर ये इसके बराबर बना तो इसके रूट अपने को दिख रहा है 1 और 2 है, इसके रूट अपने को दिख रहा है 1 और 2, मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो क्या है, 1 और 2. और 1 और 2 इसके जब रूट्स हैं तो उनका सम ऑफ स्क्वायर्स करना है, उनका सम ऑफ स्क्वायर्स करना है मेरे को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करना है, मतलब सॉरी, इसके रूट का स्क्वायर का सम करना है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करना है. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी. कितनी हो जाएगी? जो कि अपना यहां पर क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख के इस के को ट्रांसपोज किया, फैक्टराइज फॉर्म में लिख के को क्या किया, ट्रांसपोज, फैक्टराइज फॉर्म में के को ट्रांसपोज किया. तो देखा मैंने, ये फैक्टराइज फॉर्म में आ गया, ये अपने पास क्या आ गया, फैक्टराइज फॉर्म. और ये फैक्टराइज फॉर्म में आने से इसके रूट 1 और 2 हो गए, ये अपने को इसके रूट 1 और 2, और इसके रूट का अपने को स्क्वायर करके सम करना था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करना था, वो 5. क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है अपने को सी पॉजिटिव है एंड 4a प्लस सी माइनस इज लेस देन 2b एंड ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज ए रूट इन द इंटीग्रल. ठीक है भैया, सबसे पहले एफ एक्स देखते हैं. एफ एक्स हम मान लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी है. गिवन कंडीशन है सी पॉजिटिव है. दूसरी गिवन कंडीशन है 4a प्लस सी इज लेस देन 2b है, इज लेस देन 2b है, ये दूसरी गिवन कंडीशन. तो इधर से देख रहे हैं 4a माइनस 2b प्लस c लेस देन 0 है और इधर से c पॉजिटिव. अब अपने को देखो, अगर एफ एक्स ये मैंने माना है तो f 0 इज c व्हिच इज नेगेटिव, व्हिच इज एंड व्हिच इज पॉजिटिव, सॉरी व्हिच इज पॉजिटिव, c अपने को पॉजिटिव गिवन है. और ये एक्सप्रेशन अगर देखेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन f ऑफ 2 है, ये वाला एक्सप्रेशन f ऑफ 2 है और f of 2 अपने को नेगेटिव हो जाएगा. f of 2 अपने को क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तो f of 2 अपने को नेगेटिव होगा, इट मींस c f of 0 अपने पास पॉजिटिव है और f of 2 अपने पास नेगेटिव है, मतलब जो रूट्स हैं, जो रूट्स हैं वो किनके बीच में लाई करेंगे, एक ना एक रूट 0 से 2 के बीच में लाई करेगा. अपने को पता है f of a मतलब f of 0 पॉजिटिव है, f of 0 अगर मैंने बोला वो पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ आएगा और 2 पे वैल्यू क्या आएगी, नीचे की तरफ आएगी. तो ग्राफ चाहे ओपनिंग अपवर्ड बन जाए चाहे ओपनिंग डाउनवर्ड बन जाए, हमेशा एक ना एक रूट 0 से 2 आने ही वाला है. तो हैज ए रूट इन द इंटरवल 0 टू 2, 0 टू 2 इंटरवल में इसका एक रूट रहेगा ही रहेगा. ठीक, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि c पॉजिटिव है और 4a + c इज लेस देन 2b, यानी 4a माइनस 2b प्लस सी नेगेटिव है, यानी f2 नेगेटिव है. f2 अगर नेगेटिव है और f0 पॉजिटिव है तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि 0 से 2 में एक रूट आएगा. 0 पे वैल्यू पॉजिटिव है, ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा. 2 पे रूट नेगेटिव है, ग्राफ x एक्सिस के नीचे होगा. अपने को x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a दे रखा है, पता नहीं है ओपनिंग अपवर्ड बनेगा ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, लेकिन ग्राफ कैसा भी बन जाए वो हमेशा बीच में 0 से 2 एक ना एक बार x एक्सिस को कट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एंड क्वेश्चन नंबर 19 में अपने को गिवन है अल्फा अल्फा बीटा एंड गामा रियल नंबर विच सेटिस्फाई द रिलेशन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा गामा इज 1/2. तो इधर से आप देखेंगे अल्फा बीटा गामा एलसीएम लिया, अल्फा बीटा गामा प्लस 2 अपॉन बीटा गामा इज 1/2, ये ऐसा करके लिखा हुआ है. सिमिलरली जो सिमिलरली दूसरे रिलेशन है, दूसरे रिलेशन में बीटा प्लस 2 अपॉन अल्फा गामा गिवन, वो कितना है -1/2. तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो,
अल्फा बीटा गामा प्लस टू अपॉन अल्फा गामा इज -1/10। सिमिलर फैशन में वो अपने को ये भी गिवन है क्या, गामा अपॉन टू अपॉन टू बाय अल्फा बीटा इज 1/18। तो अल्फा बीटा गामा प्लस टू बाय अल्फा बीटा इज 1/18। तो अब जो देखने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये नंबर तीनों में सेम है, ये नंबर तीनों में क्या है, सेम है। अगर ये नंबर तीनों में सेम है तो मैं देखो क्या लिखूंगा, पहले वाली इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन आएगी इस नंबर को मैं के बोल देता हूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ के। तो अपने पास बनेगा बीटा इंटू गामा इज टू, तो ये नंबर भी के होगा। तो सेकेंड इक्वेशन अपने पास क्या बनेगी, अल्फा इंटू गामा इज -10। और जो थर्ड इक्वेशन अपने पास बनेगी वो बनेगी अल्फा इंटू गामा इज 18। ये अपने पास बन गया। अब आप देखो अपने को जो वैल्यू निकालनी है वो क्या निकालनी है, बीटा माइनस गामा अपॉन अल्फा माइनस गामा। तो बीटा माइनस गामा अपॉन अल्फा माइनस गामा, तो इसको अपन बीटा अपॉन गामा माइनस वन और अल्फा अपॉन गामा माइनस वन भी लिख सकते, यानी अपने को तो बीटा अपॉन गामा और अल्फा अपॉन गामा ही चाहिए। तो बीटा अपॉन गामा अल्फा अपॉन गामा के लिए, तो अब आप देखो अगर मैं 3/2 करूँ इक्वेशन 3/2, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बीटा बाय गामा आ जाएगा -10/18। बीटा अपॉन गामा आ जाएगा -18/10। सिमिलरली अपने को चाहिए अल्फा अपॉन गामा, अल्फा अपॉन गामा के लिए 3/1 कर लो, 3/ क्या कर लो, 1। 3/1 करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट होगा अल्फा बाय गामा, और अल्फा बाय गामा अपने पास बनेगा 3/1 करेंगे अल्फा बाय गामा अपने पास बनेगा 18k/2k, तो ये अपने पास 9 बन जाएगा। ये अपने पास कितना बन जाएगा, 9। मतलब अल्फा बाय गामा की वैल्यू अपने पास 9 हो गई, बीटा बाय गामा की वैल्यू अपने पास ये हो गई। तो ये वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो बीटा बाय गामा है -18/10 और ये अपने पास आया 9। मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो सब्सटीट्यूट करने पर बीटा बाय गामा -1 अल्फा अपॉन गामा -1 ये आया -18/10 -1 और 9 -1, तो अपने पास ये बनेगा -28/80। 4 से कट करेंगे -7/20, आंसर आ जाएगा। देखो जो क्वेश्चन के एक्सप्रेशन गिवन थे वो ऐसे गिवन थे कि वो तीनों में ये सिमेट्रिकल नंबर आ रहा था, और इसकी आपने हेल्प लेके रेशियो निकाल दी। क्या निकाल लिए, रेशियो। और एक्चुअली क्वेश्चन में रेशियो ही पूछा है, एक्चुअली क्वेश्चन में रेशियो ही डिमांड किया गया। अब ये रेशियो पूछा गया, ये रेशियो हमने फिर फाइंड आउट करके इनको इनकी वैल्यू बीटा अपॉन गामा, बीटा अपॉन गामा कैसे पुट किया कि इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड, अल्फा अपॉन गामा कैसे इक्वेशन 3 को 1 से डिवाइड, अपने पास ये दोनों वैल्यूज को रेस्पेक्टिवली पुट किया और अपने पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। देखो टर्म्स कैसे लिखी हुई है या सीरीज कैसे लिखी है, सीरीज लिख देता हूँ। 3/1 × 2 1/2, 4/2 × 3 1/2 का स्क्वायर, 5/3 × 4 1/2 का क्यूब, अप टू सो ऑन, ऐसे करके एक सीरीज लिखती है। तो अब आप देख रहे हैं ये 1/2, ये 1/2 स्क्वायर, ये 1/2 क्यूब, तो ये तो चल रहा है। साथ ही साथ में ये नंबर भी है, 3 फर्स्ट टर्म में 3/1 × 2, सेकेंड टर्म में 4/2 × 3, थर्ड टर्म में 5/3 × 4। तो इसको देखते हुए मैंने जनरल टर्म लिखी, nth टर्म। तो nth टर्म हम लिखेंगे तो क्या आएगा, n+2/(n)(n+1)(1/2)n, 1/2। और ये अपने पास nth टर्म आया, तो ये nth टर्म आ गया। अब ये nth टर्म आया, तो इस nth टर्म को आप देखो डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में, नीचे जो लिखा हुआ है वो n+1 × n, ऊपर में लिखा हुआ है n+2। तो देखो जो ऊपर में जो टर्म है उसको मैंने लिया 2 × (n+1)-n, और ऐसा लिखने का अपना फायदा होगा। क्या फायदा होगा, अभी वो अपने को दिखेगा। अब ये जो 1/2 की पावर n है ना, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और साथ के साथ इन दोनों टर्म को अलग अलग करके लिख रहा हूँ, इसको इसके नीचे भी डिवाइड कर रहा हूँ, इसको इसके नीचे भी डिवाइड। तो अपने पास जो nth टर्म है ना वो ऐसे बनेगा, n प्लस वन
टू टाइम्स एन इंटू एन प्लस वन टू की पावर एन माइनस एन एन प्लस वन टू टू दी पावर एन। ये इधर से ये एन कैंसिल आउट होगा, इधर से ये एन प्लस वन कैंसिल आउट, और एक टू से टू की पावर एन माइनस वन, तो एन एक्स टर्म अपने पास बनेगा वन अपॉन एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। इस पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन वैसे यही है, इसमें ज्यादा अच्छा सवाल होता कि सम ऑफ एन टर्म्स, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछना। तो अब ये अपने को ऐसे डिफरेंस आ गया टू टर्म्स का, अब टू टर्म का डिफरेंस आ गया तो मैं इसको टर्म्स को लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। एन एच टर्म एन टर्म्स का जो समय आया वन बाय एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन टू की पावर एन। अब टी वन हमने देखा, टी वन क्या आएगा, एन की जगह वन पुट करूंगा तो वन वन इंटू टू की पावर जीरो माइनस टू इंटू टू की पावर। टी टू हम निकालेंगे तो आएगा वन बाय टू टू की पावर टू माइनस थ्री इंटू टू की पावर। अब टू एन एच टर्म अपने पास कैसे आ जाएगी, टू एन टू की पावर एन माइनस वन माइनस वन बाय एन प्लस वन टू टू की पावर। तो ये टर्म ऐसे कंसेक्यूटिव टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, सम ऑफ एन टर्म्स बनेगा वन 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 अपॉन वन टू की पावर जीरो तो वन ही होता है माइनस एन प्लस वन टू की पावर। एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी ये वाला नंबर इन्फिनिटी जाएगा तो ये नंबर वन हो जाएगा, ये सम वन की तरफ क्या करेगा, तो सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स कितना हो जाएगा वन। देखो ये जो पार्ट है वो तो सब आसान सही है, ये इस बस यहाँ तक आने में डिफिकल्टी है, और ये अपने को देखना पड़ेगा ये जो सम है ये n इंटू एन प्लस वन नीचे लिखा हुआ था, तो मैंने जो ऊपर वाला जो टर्म है उसको लिखा जो n प्लस टू है, टू इंटू एन प्लस वन, टू इंटू एन प्लस वन बनेगा टू एन प्लस टू माइनस एन, तो ऊपर में n प्लस टू ही हो गया जो है, इसको मैंने चेंज करके लिख दिया, और ये चेंज करने के बाद जब मैंने इसको वन बाई टू की पावर n को मल्टीप्लाई किया तो ये अपने पास ऐसे डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में जनरेट हो गया, और डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में जनरेट होने के बाद तो ये क्वेश्चन कुछ बचता ही नहीं है, इसका आंसर अपने पास क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।